नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। जेपी नड्डा बोले, जाति और तुष्टिकरण की राजनीति को नकारने में एकमात्र पार्टी है भाजपा। स्थानीय पार्टियों के साथ बिगड़ रहे कांग्रेस के रिश्ते, उपचुनाव से पहले बंगाल बिहार में सहयोगी दलों ने किनारा किया। लखीमपुर खीरी मामले पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस और सपा। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर बिफरा विपक्ष, पवार समेत दूसरे दलों के कई नेताओं ने दिया साथ। राहुल गांधी आज आएंगे लखनऊ, प्रियंका गांधी से मिलने जाएंगे सीतापुर। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, सपा का प्रायोजित कार्यक्रम है लखीमपुर कांड, प्रियंका के झाड़ू लगाने के वीडियो को बताया पॉलिटिकल ड्रामा। बहराइच के मृतक किसान गुरुविंदर का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, आज आएगी रिपोर्ट। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल बोली, हिंदू शब्द सेवा से मुझे काम करने की मिलती है प्रेरणा। WHO अगले सप्ताह कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर करेगा अंतिम फैसला। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की हार्ट अटैक के चलते निधन। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।